हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम ये ब्यूटीफुल बटन प्लेकेट बेबी फ्रॉक बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने 1 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है और ये हम 2 से 3 साल की बेबी के लिए बनाएंगे। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, तो मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। इसकी लेंथ है 9 इंच। यहाँ पर शोल्डर मार्क करेंगे 4.5 इंच पे और आर्म होल मार्क करेंगे 5 इंच पे। अब इस तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें चेस्ट का पार्ट लेना है, तो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। जो भी चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करके उसमें प्लस 1.5 इंच मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पर वेस्ट में ले रही हूँ 6 इंच। जो भी वेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करके उसमें प्लस 1.5 इंच मार्जिन ऐड करना है और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह ज्वाइन करना है। यहाँ पर आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह। यहाँ पर नेक ब्रॉडनेस में ले रही हूँ 2.5 इंच और बैक नेक डिप ले रही हूँ मैं 2 इंच पे और फ्रंट नेक डिप ले रही हूँ मैं 3 इंच पे। अब इस तरह राउंड नेक ड्रॉ करेंगे। ये मार्किंग हो गई है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है और मैंने बैक नेक भी कट किया है। बैक पार्ट को अलग करना है और फ्रंट नेक भी कट कर लेंगे। अब इस फ्रंट पार्ट को हम सेंटर में से कट करेंगे। तो देखिए ये इस तरह 2 पार्ट्स हो जाएंगे। ये हमारा फ्रंट होगा और ये हमारा बैक पार्ट होगा। अब बॉटम पार्ट के लिए मैंने 2 फैब्रिक पीस लिए हैं। इसकी लेंथ है 13 इंच और इसकी विड्थ है, चौड़ाई है 24 इंच। अब हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट सिलाई लगा ली है और अब यहाँ से हमें धागे को खींचते हुए गेदर्स बनानी है। इस तरह हम गेदर्स बना लेंगे। देखिए दोनों पार्ट्स में हमें इसी तरह गेदर्स बना लेनी है और अब एक पार्ट को फोल्ड करेंगे सेंटर से। इसे सेंटर से बराबर फोल्ड करना है और फोल्ड करके हम इसे सेंटर में से कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह 2 पार्ट्स हो जाएंगे और अब हम इससे इसमें टॉप पार्ट को अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट पर उल्टा रखना है। इस तरह उल्टा रखकर इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह हम दोनों टॉप और बॉटम पार्ट अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और ये हमारे दोनों टॉप और बॉटम पार्ट अटैच हो गए हैं। इसी तरह हमें बैक पार्ट में भी टॉप और बॉटम पार्ट को अटैच कर लेना है सिलाई लगा के। और अब हम दोनों फ्रंट पार्ट में स्ट्रेट पट्टी अटैच करेंगे। एक पट्टी को हमें इस तरह ऊपर से अटैच करना है और दूसरी पट्टी को हम इस तरह नीचे रख के अटैच करेंगे। तो पहले हम राइट साइड में 3 इंच चौड़ी पट्टी अटैच करेंगे। इस पट्टी को हम नीचे से अटैच करेंगे।
अब इस पट्टी को आगे की तरफ टर्न करना है और इसे टर्न करके हमें यहाँ पे डबल फोल्ड करना है। इस तरह डबल फोल्ड करके हम यहाँ किनार पे सिलाई लगाएंगे। 1 इंच चौड़ी पट्टी हमारी बाहर की तरफ रहनी चाहिए। तो देखिए इस तरह ये हमारी गाज पट्टी है। और अब हम लेफ्ट पार्ट में 2 इंच चौड़ी पट्टी अटैच करेंगे। इसे इस तरह फोल्ड करके हमें ऊपर से अटैच करना है। और अब इस पट्टी को यहाँ से हम इस तरह प्रेस करेंगे और इसे अंदर की तरफ टर्न करके इस पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह ये हमारी बटन पट्टी होगी और ये हमारे फ्रंट में इस तरह बटन प्लेकेट बनेगा। अब हमें दोनों पार्ट्स को मिला के शोल्डर ज्वाइन करना है। तो देखिए शोल्डर ज्वाइन कर ली है मैंने और अब हम नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए पहले हम क्रॉस पट्टी कट करेंगे। इस तरह 2 इंच चौड़ी पट्टी कट करनी हमें क्रॉस में। और इस पट्टी को मिला के हम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगा के ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए पट्टी को ज्वाइन कर ली है मैंने और ये अब हमारी एक लॉन्ग स्ट्रिप बन गई है। अब इसे हम नेक पे अटैच करेंगे। इसे इस तरह फोल्ड करके यहाँ नेक पे रखेंगे और आगे की तरफ हमें 1/2 इंच पट्टी को बाहर की तरफ रखना है एक्स्ट्रा और इसे पूरे राउंड नेक में अटैच करेंगे। इस पट्टी को हमें हल्के हल्के खींचते हुए अटैच करना है। और अब यहाँ नेक के पास हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। हमारी सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखना है। और इस पट्टी को अंदर की तरफ हमें इस तरह फोल्ड करना है। इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पट्टी पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। और इस तरह नेक बना के हमें इसे एक बार प्रेस कर लेना है। तो ये हमारा नेक फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। और इसी तरह अब हमें आर्म होल भी बनाना है। आर्म होल पे भी हम क्रॉस पट्टी को इस तरह फोल्ड करके
राउंड में अटैच करेंगे। और अब इस पट्टी को अंदर की तरफ टर्न करके इस पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड में पट्टी अटैच कर ली है और अब हमें दोनों साइड ज्वाइन करना है। दोनों साइड हमें सिलाई लगा के ज्वाइन करना है। तो देखिए मैंने साइड्स ज्वाइन कर ली है और अब इसे बॉटम से डबल फोल्ड करना है। इसे इस तरह डबल फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने बॉटम फोल्ड कर ली है और फ्रंट में मैंने यहाँ पे राइट साइड में गाज बनाए हैं और लेफ्ट साइड में बटन अटैच किए हैं। तो अब ये फ्रॉक रेडी है हमारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।